कि रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब एबीसीडी, तो एबीसीडी एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है एंड रिफ्लेक्टिव इंडेक्स म्यू वन है, और रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ग्लास का म्यू वन है और बाहर का मीडियम का म्यू टू है, और क्वेश्चन में गिवन है म्यू वन ग्रेटर देन म्यू टू, जबकि हमें क्या आदत है म्यू टू ग्रेटर देन म्यू वन लेने की, तो उल्टा कर दिया म्यू वन ग्रेटर देन म्यू टू, तो ये डेंसर है और ये रेयरर है। अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट एट अ सरफेस ए बी, ए बी पे लाइट इंसिडेंट करवा दी मैंने, और कितने एंगल पर अल्फा पे, तो कह रहे अल्फा ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सच दैट द रे कम्स आउट ओनली फ्रॉम द आउटर सरफेस ऑफ सी डी। तो मैं इसको डायग्राम को जरा यहां बना दूं एक बार फिर से, थोड़ा क्लियर नहीं है। ये आपके पास एक रेक्टेंगुलर स्लैब है, ये रेक्टेंगुलर स्लैब है, ठीक है यहां तक। रे ऑफ लाइट आती है और कुछ ऐसे एंटर करती है, और ये क्या है इसका नॉर्मल, ठीक है मैं नॉर्मल का कलर चेंज कर देता हूं एक सेकेंड, ये लो, तो ये क्या है इसका नॉर्मल, ठीक है, और ये एंगल कितना गिवन है अल्फा मैक्स, ये मीडियम है म्यू टू, ये मीडियम है म्यू वन क्वेश्चन में गिवन है। अब होगा क्या, ये सरफेस है सी डी, वो ये कह रहा है कि रे ऑफ लाइट जब इसमें एंटर कर रही है ना, तो रे ऑफ लाइट यहां पर रिफ्रैक्शन शो करेगी, सबको पता है रे ऑफ लाइट रिफ्रैक्शन शो करेगी, क्लियर है, तो रिफ्रैक्शन शो किया और यहां पर एंगल क्या बनेगा आर वन, बन गया आर वन। फिर दो चीजें हो सकती हैं, या तो रे ऑफ लाइट बाहर निकल जाए मीडियम से, या फिर सीडी को जाके टक्कर मारे, अगर सीडी पे जाके आपने हिट करवाना है तो लाइट को फिर यहां से रिफ्रैक्ट नहीं करवाना, तो इसका मतलब यहां पर क्या होनी चाहिए टीआईआर। अब कम से कम टीआईआर कब होगी, कम से कम ये बात तो पक्की है कि अगर मैं यहां पर नॉर्मल ड्रॉ करता हूं इसका, ये मैंने नॉर्मल ड्रॉ किया, दोनों नॉर्मल 90 डिग्री पे हैं, तो ये एंगल क्या बनेगा आर टू, और आर टू ही क्या होगा क्रिटिकल एंगल, क्लियर है यहां तक, ताकि रे ऑफ लाइट जो है वो कहां चली जाए, रे ऑफ लाइट सीधा सी डी पे जाके हिट करे, क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक। आपको अल्फा मैक्स निकालना है, देखो मेरे को कुछ नहीं आता, मेरे को सिर्फ एक रिफ्रैक्शन का स्नेल लॉ आता है और एक मेरे को इसमें टी आई आर का फॉर्मूला आता है, बस वहां से आपको अल्फा मैक्स निकालना है। अल्फा मैक्स निकालने के लिए पहला रूल तो बहुत ही क्लियर है, अल्फा मैक्स निकालने के लिए रूल ये स्नेल लॉ, म्यू टू इंटू साइन ऑफ अल्फा मैक्स इज इक्वल टू म्यू वन इंटू साइन ऑफ आर वन, सही है, कोई डाउट इसमें। तो यहां से साइन ऑफ अल्फा मैक्स की जो वैल्यू आएगी वो आएगी म्यू वन बाय म्यू टू इंटू साइन ऑफ आर वन, ये स्टेप क्लियर है यहां पर ऐसा ऑब्जेक्टिव में ऑप्शन आपको मिलेगा नहीं। क्योंकि ये डेंसर है, क्योंकि ये डेंसर, तभी यहां टीआर पॉसिबल है, नहीं तो होता ही ना, म्यू वन यानी कि बड़ा क्वेश्चन में गिवन है म्यू वन ग्रेटर देन म्यू टू। तो ये रूल क्लियर है, अब दूसरा रूल समझो, दूसरा रूल है आर वन प्लस आर टू का सम क्या है 90, तो आर वन की वैल्यू क्या होगी 90 माइनस आर टू, क्लियर है यहां तक, ठीक है, या फिर आर वन इज इक्वल टू 90 माइनस आर टू को क्या नाम दे सकते हैं क्रिटिकल एंगल, ये भी क्लियर है यहां तक। अब साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल क्या होता था 1 बाय म्यू डेंसर विद रिस्पेक्ट टू रेयरर, ऐसे करते थे ना 1 म्यू 2, क्योंकि यहां पर 1 डेंसर है म्यू और 2 रेयरर है, तो इसको डिवाइड कर लेते हैं, ब्रेक करते हैं, तो ब्रेक करके क्या आएगा 1 ऊपर जाएगा 2 नीचे, तो साइन ऑफ सी विल बी इक्वल टू म्यू 2 डिवाइडेड बाय म्यू वन, ठीक है यहां तक रेसिप्रोकल हो गया। तो यहां से सी की वैल्यू क्या आ गई, सी की वैल्यू आ गई साइन इनवर्स म्यू टू डिवाइडेड बाय म्यू वन, ठीक है, क्लियर है यहां तक, ठीक है यहां तक। तो इसमें
इस क्वेश्चन के अंदर आखिरी स्टेप है, आखिरी स्टेप ये सी आ गया ना, इस सी को यहां पे पुट कर दो तो क्या जाएगा आर वन कितना 90 माइनस साइन इनवर्स म्यू टू डिवाइडेड बाय म्यू वन। ये जो आर वन है ना, आर वन इसको उठा के यहां पे पुट कर दो तो सोचो ये पूरा 90 की टर्म यहां पे फिट हो जाएगी, फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मार्क करना, एबीसीडी में आंसर आएगा। नीट में तो ना आता, सीबीएसई में तो ना आता, मेंस वालों को आएगा तो आएगा। इतनी बड़ी कैलकुलेशन कैसे करेंगे नीट वाले? पॉइंट समझ में आ रहा है कि कैसे? और वो भी आप ये ना सोचो कि मेरे को सपना आ रहा है ऐसे ऐसे पुट करेंगे, वो मैंने प्रैक्टिस की हुई है, ऑब्जेक्टिव के ऑप्शन भी याद है मुझे कैसे करना है, इसलिए मैंने कर दिया, नहीं तो हो सकता है मैं भी ये तक छोड़ देता। आंसर आ तो गया था अल्फा का, आ तो गया अल्फा यहाँ से। अल्फा क्या आया? अल्फा मैक्स ऐसे छोड़ देता, साइन इनवर्स म्यू वन बाय म्यू टू इंटू साइन ऑफ आर वन, पर प्रॉब्लम ये छोड़ तो देता, आर वन की फॉर्म में ऑप्शन नहीं मिल रहा था, फिर आर वन वहां से निकालना पड़ना था, फिर यहां से यहां आए, तो लगा वही एक रिफ्रैक्शन और एक पी आई आर। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? हालांकि थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है इस हिसाब से, बट चलो कॉन्सेप्ट वही है। चलो छोटा क्वेश्चन कर लो, ये लो, ये क्वेश्चन रिपीट है, ये ऑलरेडी किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर फोर देख लो, क्वेश्चन नंबर फोर, देखो क्वेश्चन है, आई इज केप्ट एट अ डेप्थ ऑफ एच इनसाइड अ वाटर ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड व्यूड आउटसाइड। आई नीचे और वो बाहर की तरफ देख रही है। डायमीटर ऑफ द सर्कल थ्रू विच द आउटर ऑब्जेक्ट बिकम विजिबल विल बी इक्वल टू व्हाट। वैसे मेरे हिसाब से आई की जगह यहां पर ऑब्जेक्ट होना चाहिए, सोर्स होना चाहिए था लाइट का, क्योंकि अगर हम पूल में जाते हैं और बाहर देखते हैं पानी के अंदर, सबको दिखता तो है, ऐसा तो नहीं होता कि इतने से पोर्शन में दिख रहा है और बाकी में दिखना बंद हो जाता है, ऐसा तो नहीं होता। तो आई नहीं होना चाहिए था, हालांकि आई रखा इसने लिखा हुआ है, बट इसको सोर्स ऑफ लाइट ही होना चाहिए था। तो ये वैसे ही क्वेश्चन है जो ऑलरेडी हम ऑलरेडी लास्ट टाइम कर चुके हैं। तो इसके अंदर वो कह रहा है कि जैसे ये मैं डायग्राम फिर से बनाऊंगा, जैसे सपोज हमने वो एक क्वेश्चन किया था वो बीकर वाला, एक बड़ा सा बीकर है या ये पूल है, और कोई भी एक ऑब्जेक्ट मान लो यहाँ पर पड़ा हुआ है, सोर्स ऑफ लाइट यहाँ पर पड़ी हुई है और ये लेवल है लिक्विड का। तो हमने क्या किया था कि एक रे सीधी जाती थी ऐसे, तो यहां पर क्या हो जाता था इसका पी आई आर, याद है ऐसे, ये देखो। और क्वेश्चन क्या था उसमें, था ये एरिया निकालो, याद करो एरिया निकालो, ऐसा क्वेश्चन था। इसमें क्या निकालना है, इसमें आपको निकालना है कि जो आउटर ऑब्जेक्ट हैं कब विजिबल हैं। तो विजिबल कब होंगे आपको इसमें, जस्ट इसमें रेडियस या डायमीटर ही निकालना है। क्वेश्चन तो सेम ही है, बस फर्क ये है कि ये जो हाइट गिवन है ना, ये एच गिवन है, और मुझे पता है कि ये जो एंगल बनेगा वो क्या बनेगा सी, और ये क्या बनेगा सी, और ये क्या है आर। तो मेरे को इसमें एरिया नहीं निकालना है, इसमें डायमीटर निकालना है, इसका क्या होगा डायमीटर 2r। तो मुझे पता है कि इसमें जो साइन ऑफ सी है वो क्या होगा, ये डिस्टेंस कितने है, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस, तो आर डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये क्या आ गया मेरे पास साइन सी। क्रिटिकल एंगल मैंने निकाल दिया ट्राइंगल से, लेकिन क्रिटिकल एंगल एक और फॉर्मूला मुझे पता है 1/μ। ये क्लियर है यहां तक? यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करके स्क्वेयरिंग करो, स्क्वेयरिंग करके क्या आएगा आर, आर को डबल करो तो क्या आएगा इसका
डायमीटर आंसर, ऐसे मार्क करना है। तो पॉइंट समझ में आ रहा है, क्वेश्चन वैसे ही है जैसे हमने क्लास में टीआईआर किया था, बस फर्क यह है कि साइंस ही एक बार ज्योमेट्री से निकालना है और एक बार आपने क्या करना है इसमें 1/μ से निकालना है और दोनों को इक्वेट करके आर की वैल्यू निकालनी है, उसके बाद आर को डबल कर देना है। तो मेथड क्लियर है कैसे करना है इसमें, ऑनलाइन क्लियर है? ठीक है, आर की वैल्यू आएगी डबल करके डायमीटर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को देखें, सिक्स्थ। ग्लास प्रिज्म एबीसी देख रहे हो, एबीसी ग्लास का प्रिज्म है एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है। इसको वाटर में डाल दिया 4/3, 1.5 बड़ा है और 4/3 छोटा है, तो ग्लास बड़ा डेंसर है और ये वाटर रेयरर है। तो रे ऑफ लाइट वगैरह नॉर्मली आ रही है सरफेस पे, नॉर्मली आ रही है तो बेंड नहीं होगी, सीधी हिट करेगी और रिफ्रैक्शन नहीं होगी या हिट करेगी। वो कह रहे हैं मैं ये चाहता हूं कि इसमें एसी सरफेस पे लाइट टोटली इंटरनली रिफ्लेक्ट हो जाए, टीआईआर हो जाए, अदरवाइज लाइट ग्लास से वाटर में आ जाती। तो अगर आप चाहते हो कि टीआईआर हो तो ये एंगल कम से कम क्या होना चाहिए, क्रिटिकल या क्रिटिकल से बड़ा होना चाहिए। तो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस जो भी यहां बनेगा दैट मस्ट बी ग्रेटर देन क्रिटिकल। तो आपको वो भी बताना है कि आपका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, क्योंकि एंगल क्या है थीटा, क्योंकि एंगल क्या है थीटा, तो ये कितना है 90 माइनस थीटा। और अगर ये 90 माइनस थीटा और ये 90 डिग्री तो ये कितना है थीटा, ये थीटा है सीनी थीटा, तो एंगल क्या बनेगा थीटा। तो ये जो थीटा एंगल है दिस शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। ये पॉइंट समझ में आ रहा है? तो थीटा यहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंस माना जाएगा। तो कैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस समझ में आ रहा है, क्यों? क्योंकि ये थीटा तो 90, तो 90 माइनस थीटा से ये थीटा जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है। बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व, इसके अंदर कुछ करना ही नहीं उसके बाद। तो थीटा शुड बी ग्रेटर देन C, साइन थीटा शुड बी ग्रेटर देन साइन C, और साइन C क्या होता है 1/μ, ग्लास डेंसर है और वाटर रेयरर है। तो आपको इसको ब्रेक कर लेना, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है, ग्लास का गिवन है, वैल्यू पुट करना, साइन थीटा की वैल्यू आएगी, सॉल्व करके साइन थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 8/9 आ जाएगा। बाकी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये पहला स्टेप क्लियर है, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर 1/μ पुट करके आंसर आएगा। पॉइंट समझ में आ रहा है कि कैसे सोचना है इस क्वेश्चन को, कोई डाउट इसमें? ऑनलाइन क्लियर है? एट्थ क्वेश्चन को देखें प्लीज, क्वेश्चन नंबर 8।
देखो इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, लाइट टेक्स T1 सेकेंड टू ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ एक्स इन वैक्यूम। ठीक है, तो लाइट T1 सेकेंड लेगी ताकि डिस्टेंस ट्रेवल कितना कर सके एक्स इन वैक्यूम। सेम लाइट T2 टाइम लेती है ताकि डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर सके 10x। क्रिटिकल एंगल क्या होगा? अब सबसे पहले मीडियम क्या है? वैक्यूम। वैक्यूम में डिस्टेंस एक्स है इन टाइम T1, तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम आ गई। मीडियम की बात करते हैं तो 10x डिस्टेंस है और टाइम कितना है T2, तो स्पीड इन मीडियम आ गई। तो आप अगर इन्हें डिवाइड करेंगे सी और वी को तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स आ जाएगा। तो आपको पता है साइन सी क्या होता है? 1/μ। म्यू क्या होता है? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो मीडियम आपको पता है स्पीड, वैक्यूम आपको पता है एक्स, एक्स हो गया कैंसिल, साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल आ गया, यहाँ से क्रिटिकल एंगल कैन बी कैलकुलेटेड। तो पॉइंट समझ में आ रहा है कैसे सोचना है इसमें? कोई डाउट इसमें? ठीक है, देखो इसमें रे ऑफ लाइट एंटर्स अ ग्लास स्फेयर, ग्लास स्फेयर है एट एन, और √3 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस 60। अ रे इज रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड एट दी फादर, नहीं है वो फादर सरफेस ऑफ दी स्फेयर, तो पीछे की सरफेस से रिफ्रैक्ट हो जाती है और रिफ्लेक्टिव हो जाती है। एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड रेस क्या होगा? तो ये लाइट आई, रिफ्रैक्ट हुई, रिफ्रैक्ट हुई, पर कुछ रिफ्लेक्ट भी हुई, तो आपको इनके बीच में एंगल निकालना है। तो रूल नंबर 1, एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है 60, रिफ्रैक्शन कितना है R1, फिर इंसिडेंस कितना है R2, और बाहर निकलते हुए एंगल कितना है I2। नाम जो मर्जी लिख लो, I2 R2 कर लो, उल्टा कर लो, तभी कोई बात नहीं है। तो ये एक एंगल पता है, ये पता नहीं, ये पता नहीं, और ये भी पता नहीं, और ये भी पता नहीं, राइट? ये नॉर्मल है और ये भी नॉर्मल है। करना क्या है इसमें? TIR तो हो नहीं रहा, स्नेल लॉ लगेगा। तो रूल नंबर 1, यहां पे स्नेल लॉ लगाओ, 1 × sin 60 √3 × sin of R1। तो ये स्टेप क्लियर है, 1 × sin 60 √3 × sin R1। आपको इस क्वेश्चन में 60 पता है, R1 निकालना है, तो सॉल्व करके R1 की वैल्यू क्या जाएगी 30।
30. स्नेल लॉ से आपने एंगल निकाल लिया आर वन 30, क्योंकि आइसोसेलस ट्राइंगल है, रेडियस है, तो ये 30 तो ये भी 30, ये 30, अब ये एंगल आ जाएगा ए टू, स्नेल लॉ फिर से रूट 3 इंटू साइन ऑफ 30, 1 इंटू साइन ऑफ आई टू, तो सॉल्व करके क्या आ गया, आई टू भी आ गया 60. अब सोचो आपके पास आई टू आ गया, मतलब 60 से आर वन आ गया, आर वन से आर टू आ गया, आर टू से आई टू आ गया, आपके पास आई टू आ गया. अब क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस रिफ्लेक्शन के इक्वल भी होगा, तो अगर ये 30 है तो ये भी 30 है, तो इस केस में ये 30 है, ये 60 है, ये स्ट्रेट लाइन है, तो ये बचा हुआ एंगल क्या होगा, 180 में से 30 और 60 को माइनस करके आंसर. तो पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक कैसे करना है क्वेश्चन सॉल्व. टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नाम है उसका, टोटल, टोटल का मतलब सारी, तब लगता है, ये नहीं कि रिफ्रैक्ट भी होगी रिफ्लेक्ट भी होगी तो पार्शल नहीं लगता, तो रिफ्रैक्शन का पार्ट है ये. ठीक, फिश और बर्ड वाली प्रॉब्लम इस बार थोड़ी चेंज होके आ रही है. वो कह रहा है कि इसमें ये फिश है और ये फ्लाई है, और हो क्या रहा है, फिश ट्रेवल करती हुई जा रही है फ्लाई के पास एट अ स्पीड ऑफ 8 और एट अ स्पीड ऑफ 3. फिश की स्पीड गिवन है और जो फ्लाई है वो उसको एक्स दूरी पे नजर आएगा ही नहीं, फ्लाई उसको दूर नजर आएगा, कितना, म्यू इनटू एक्स पे नजर आ रहा है, किसे, फिश को. तो इस फिश को लग रहा है कि फ्लाई इसके पास आ रहा है एट अ स्पीड ऑफ 8 मीटर पर सेकेंड, मतलब उसकी क्या वेलोसिटी गिवन है, एक्चुअल वेलोसिटी नहीं है 8, क्योंकि फिश चल रही है, चलते हुए फिश को लग रहा है कि बर्ड उसकी तरफ आ रही है विद अ स्पीड ऑफ कितना, 8. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू गिवन है, आपको फ्लाई की एक्चुअल वेलोसिटी निकालनी है सच में क्या होगी. क्वेश्चन समझ में आ रहा है, तो बर्ड आ रही है, बर्ड की, सॉरी फिश है, फिश की वेलोसिटी पता है, फ्लाई की वेलोसिटी निकालनी है, और इसको फिश को क्या लगता है फ्लाई को देखते हुए कि उसकी स्पीड कितनी है, ये क्वेश्चन में गिवन है. ठीक है यहां तक, तो क्या करें इसमें, एक ही चीज है, जब दो बॉडीज ऑपोजिट मूव करती हैं तो उनकी रिलेटिव वेलोसिटी ऐड हो जाती है, सबको पता है, एक तरीके से रिलेटिव वेलोसिटी ऐड गिवन है ना. तो आपको अगर मैं ये बता दूं कि फिश की स्पीड 3 है और फ्लाई जो उसको लग रहा है उसकी स्पीड कितनी है निकाल लो, जो फ्लाई है उसका डिस्टेंस एक्स नहीं है, उसका डिस्टेंस क्या है, म्यू एक्स है, अपेरेंट डिस्टेंस म्यू एक्स है, तो इसको अगर डिफ्रेंशिएट कर दें तो आपके पास क्या आ जाएगी, इसकी अपेरेंट वेलोसिटी आ जाएगी. अपेरेंट का मतलब कि फिश को क्या लगा, बर्ड को देखते हुए ये लगा. तो अब इस केस में फिश को क्या लगा, फिश की वेलोसिटी और बर्ड की जो अपेरेंट वेलोसिटी उसको लगी उसका सम उसको क्या लगा, 8, क्योंकि टोटल डिस्टेंस टोटल वेलोसिटी उसको 8 लगी है. तो इसको हम ब्रेक करके लिख सकते हैं म्यू टाइम्स एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ फ्लाई, क्यों, वो क्यों, क्योंकि dx / dt एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ फ्लाई है, तो यहां से म्यू आपको पता है एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ फ्लाई कैन बी कैलकुलेटेड. तो मतलब कुछ नहीं करना, आपने फिश की वेलोसिटी लेनी है, बर्ड की वेलोसिटी जो उसको लगी वो लेनी है, और दोनों को ऐड करके टोटल आंसर 8 गिवन है. तो यहां से बर्ड की वेलोसिटी कैन बी कैलकुलेटेड या फ्लाई की वेलोसिटी कैन बी कैलकुलेटेड. तो पॉइंट समझ में आ रहा है कि मतलब हमने अपने क्वेश्चन ना डिस्टेंस में किए, इसने डिफ्रेंशिएट करके वही क्वेश्चन किसमें बना दिए, वेलोसिटी में बना दिए. ठीक है, नीट में बहुत आता है, नीट में ये क्वेश्चन ऐसा ये किया हुआ है, सेम है. 6th क्वेश्चन, देयर आर सर्टन मटीरियल्स डेवलप्ड इन लैब, मैन मेड मटीरियल है, मेटा मटीरियल बोलते हैं इसे, मेटा मटीरियल्स मैन मेड लैब में बनते हैं, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही नेगेटिव है, होता नहीं नेगेटिव, कह रहा है इसका नेगेटिव है. तो अगर नेगेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है तो रिफ्रैक्शन कैसी होगी ये प्लॉट करके बताओ. ठीक है, तो जब नेगेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है तो जब स्नेल लॉ लगेगा तो ये आई और आर का ग्राफ बताना है कि रे कैसे जाएगी. साइन आई बाय साइन आर, साइन आर क्या होगा, साइन आई बाय म्यू, म्यू क्या है, नेगेटिव, तो आर क्या होगा इसमें, नेगेटिव. आर पॉजिटिव का मतलब होता है जब रे इस क्वाड्रेंट में जाएगी, नेगेटिव का मतलब जब इस तरफ चली जाएगी. तो ये इसका ए ग्राफ है, जब आई इंसिडेंट से लाइट आई आगे जाने की बजाय पीछे ही आ गई, तो इसको बोलते हैं आर क्या हो गया इसमें, नेगेटिव. देखो ना, नॉर इस तरफ आ गया क्वाड्रेंट, अगर देखो अगर यहां चला गया फिर तो सारे क्वेश्चन में आर पॉजिटिव ही होता है, ये भी पॉजिटिव, ये तो हो नहीं सकता, रिफ्रैक्शन तो शो ही नहीं की इसने, तो ये भी हो नहीं सकता, इसने रे नहीं प्रॉपर शो की. तो इसके अंदर ये बनेगा आर नेगेटिव का मतलब जिस यहां से आई उसी के नीचे चली गई, तो ये इसका आंसर है. आता नहीं वैसे क्वेश्चन, अगर आ जाए तो बस ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है और आता नहीं इस पे.
ये क्वेश्चन देखना जरा, एक डाइवर्जिंग लेंस है, कंकेव लेंस है, लेंस हालांकि हमने किए नहीं अभी, पर एक कंकेव लेंस है, रेज आई, इसको डाइवर्ज करना चाहिए था कायदे से, तो कन्वेक्स लेंस कन्वर्ज करता है, डाइवर्जिंग लेंस डाइवर्ज करता है, पर ये कन्वर्ज कर रहा है, तो आपको बताना है कि म्यू वन म्यू टू और म्यू थ्री में कौन बड़ा है कौन छोटा है, कौन रेयर कौन डेंसर। तो इसके लिए लेंस की एक प्रॉपर्टी याद करनी पड़ेगी, हम लेंस चैप्टर में नेक्स्ट टाइम करने वाले हैं प्रॉपर्टी, क्या वो ये कि अगर आपके पास कोई भी एक लेंस है, मान लो ये आपका कौन सा लेंस है, कन्वेक्स लेंस है, कन्वेक्स लेंस की जो नेचर होती है ना, अगर रेस पैरल आ रही है तो वो कन्वर्जिंग नेचर होती है, मानते हो ये चीज, कन्वेक्स लेंस की नेचर क्या होती है, कन्वर्जिंग होती है, ये कन्वर्ज करता है, लेकिन एक कंडीशन के साथ कि अंदर का मटीरियल डेंसर है और बाहर का मटीरियल रेयर है, क्योंकि लेंस को हम स्टडी एयर में करते हैं और ग्लास का बना होता है लेंस, तो वो तो डेंसर ही होता है। एक प्रॉपर्टी करेंगे, मैथमेटिकल प्रूफ भी करेंगे, अगर यही कन्वेक्स लेंस है लेकिन मटीरियल रेयर है और बाहर डेंसर है, इसको पानी में डाल दिया, पानी इससे भी डेंसर है, अब अगर रेज इसमें आएंगी तो इसकी नेचर उल्टी हो जाएगी, ये कन्वर्जिंग की जगह डाइवर्जिंग हो जाएगा, है कन्वेक्स लेंस, तो अगर इसको इसका जो मीडियम है लेंस का वो अंदर डेंसर है बाहर रेयर है, फिर तो कन्वर्जिंग है, पर अगर बाहर डेंसर हो गया तो इसका नेचर उल्टा हो जाता है, डाइवर्जिंग हो जाता है। कनकेव की भी उल्टी प्रॉपर्टी है, वैसे कनकेव क्या होता है, डाइवर्जिंग, पर अगर बाहर का मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ जाए तो ये क्या बन जाता है, कन्वर्जिंग, और जो मुझे लग रहा है वो यही है इसमें कि ये क्या बन गया, कन्वर्जिंग, इसका मतलब म्यू थ्री कम है और म्यू वन बढ़ा है, तो म्यू वन इसमें या म्यू टू बढ़ाई की बात है, म्यू टू बढ़ा है और म्यू थ्री छोटा है, तो म्यू टू बढ़ा है और म्यू थ्री छोटा है, और म्यू वन म्यू टू बराबर है क्योंकि अंदर लेंस है बाहर मीडियम, एग्जैक्टली दोनों में सेम है। बट पॉइंट समझ में आ रहा है कि नेचर उल्टा कब होता है, जब अंदर का मीडियम जो है वो रेयर है और बाहर का मीडियम डेंसर है, तो आंसर आएगा, तो आंसर नहीं आएगा। इस क्वेश्चन को देखें, इस क्वेश्चन के अंदर मोनोक्रोमेटिक लाइट जिसकी वेवलेंथ क्या है लैम्डा वन, ट्रेवलिंग इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एन वन, एंटर द डेंसर मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना एन टू, वेवलेंथ ऑफ सेकेंड मीडियम क्या होगी। तो रूल नंबर वन, जो एन वन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में क्या गिवन है कि वेवलेंथ लैम्डा वन है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम, फ्रिक्वेंसी कभी चेंज नहीं होती जब मीडियम चेंज होता है, तो c इज न्यू लैम्डा और c इज न्यू टाइम लैम्डा वन। तो ये इक्वेशन आगे क्लियर है, क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक, ठीक। ऐसी n2 में लैम्डा अपॉन लैम्डा 2 हो जाएगा, n1 और n2 की इक्वेशन को डिवाइड कर लें तो लैम्डा लैम्डा कैंसल, आंसर लैम्डा 2 आ जाएगा। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक, ठीक। नेक्स्ट इसका आंसर क्या होगा, ये कर लिया 11th का, या कैसे होगा जो भी आंसर है, तो क्वेश्चन है साफ पता लग तो रहा है, यहां रिफ्रैक्शन नहीं हो रही, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट स्ट्रेट जा रही है, तो म्यू वन इज इक्वल टू म्यू टू आंसर है। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक, कोई डाउट इसमें,